दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। आपने गोभी के पकोड़े तो बहुत बनाए होंगे और खाए भी होंगे बहुत, लेकिन ये वाली टेक्निक काफी अलग है। और मैं जानता हूं कि एक बार आप इस टेक्निक से पकोड़े बनाओगे ना, तो आप बाद में आप ऐसे ही गोभी के पकोड़े बनाओगे, सच में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर गोभी के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है गोभी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गोभी ली है, उसको बस ऐसे फ्लोरेट्स में काट लिया है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि गोभी को हमने थोड़ा सा गर्म पानी में उबालना है। तो मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है, उसमें आप डालें काफी सारा पानी। गोभी के अंदर तक फ्लेवर लाने के लिए आपको इस पानी में नमक तो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लगभग 1 से 1.5 टीस्पून नमक तो डालना, ताकि गोभी में अंदर तक अच्छे से नमक आ जाए। उसके बाद जैसे ही आपका पानी अच्छे से उबलने लग जाए, फिर आपने यहाँ पर डालना है हमारी कटी हुई गोभी। और गोभी को बहुत देर नहीं पकाना, गोभी को थोड़ी सी देर ही पकाना है, यानी 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ताकि गोभी से जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए। बीच बीच में आप अच्छे से इसको स्टर करते रहना, और हल्का सा जब गोभी नरम होने लग जाए, बहुत थोड़ी से जब नरम होने लग जाए, तो आप गोभी को ऐसे स्ट्रेन करके निकाल लेना। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब तक हमारी गोभी थोड़ी सी ठंडी हो रही है, तब हम इसके ऊपर लगाने के लिए चटनी बना लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि गोभी के पकोड़े बनाने की टेक्निक ही अलग है, अब अलग ऐसे है कि मैंने इसमें स्पेशल चटनी बनाई है। चटनी बहुत स्पाइसी है, तीखी चटनी है, और उसके साथ साथ इसमें लहसुन बहुत ज़्यादा है, जो कि सच में बहुत ही टेस्ट इन्हांस कर देती है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी हरी मिर्ची चाहिए, लगभग 6-7 तो चाहिए, काफ़ी सारा लहसुन भी चाहिए। मैंने लगभग यहाँ पर 10-12 कलियाँ यूज़ करी हैं। अदरक चाहिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा धनिया। बस इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा काट काट के आपको मिक्सी में डालना है। थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी भी डाल देना, ताकि हमारी चटनी आराम से पिस जाए। साथ में मैंने डाला है नमक, काली मिर्च, जीरा पाउडर और काफ़ी सारा गरम मसाला। और बस इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर देना एकदम फाइन पेस्ट में, और ये देखो आपको कुछ कुछ ऐसी चटनी मिलेगी। और घबराना मत, ये है सच में बहुत तीखी, लेकिन जब ये पकौड़े के अंदर जाती है तो एक धमाका तो करती है खाने में, लेकिन आपको इतना फील नहीं होगा, आपको ओवर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगेगा इसका। तो वापस अब उसी बोल में चलते हैं जहाँ पर मैंने गोभी को निकाल के रखा था थोड़ा ठंडा होने के लिए। यहाँ पर आप लगभग 1 टेबलस्पून तक बेसन डालना, और उसके बाद सारी चटनी डाल देना जो हमने बनाई थी ना, मिर्चियों वाली और लहसुन वाली, सारी यहाँ पर डाल देना। और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, ताकि पूरी चटनी अच्छे से चिपक जाए गोभी के ऊपर। और थोड़ी देर के लिए हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, 10 मिनट ही काफ़ी है। और जब तक 10 मिनट हमें मिले हैं, 10 से 15 मिनट, तब तक हम ना बैटर बना लेते हैं, क्योंकि बैटर में भी हमें रेस्ट तो कराना ही है। तो बैटर बनाने के लिए मैंने अपने बोल में लिया है लगभग 2 कप बेसन, उसमें आप अजवाइन तो डालना ही डालना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैं यहाँ पर पानी डालने लगा था, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ मैंने नमक तो डाला ही नहीं। तो आप भी मत भूलना, नमक ज़रूर डालना, और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डालना। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और बस अब आप यहाँ पर डालो धीरे धीरे करके पानी। सारा पानी एक साथ मत डाल देना, धीरे धीरे करके डालना। पहले थोड़ा सा डालना, फिर उसको मिक्स करना, फिर और पानी डालना, फिर उसको मिक्स करना। इससे ये होगा कि आपके बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। अब इसको आराम आराम से मिक्स करते रहना। अब जब इस स्टेज पे आ जाओ, जब आपका बैटर ऐसे थिक सा हो जाए, और बैटर इतना फ्लोइंग सा भी होना चाहिए, तो इसमें हम बेकिंग सोडा वोडा तो कुछ डालेंगे नहीं। तब इसको अच्छे से फेंटना, बहुत अच्छे से, जितनी आपके हाथों में जान है उतनी देर तक आप अच्छे से फेंटना, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। अब बस अब इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं बैटर को लगभग 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद आपका बेसन थोड़ा सा फूल जाएगा। और जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हमने तेल की कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कंसिस्टेंसी है मेरी बैटर की, वो काफ़ी थिक रखी है मैंने, थिन नहीं है बिल्कुल भी। और थिक रखने का रीज़न ही है क्योंकि हमारी गोभी के ऊपर तो धमाका लगा हुआ है ना, अब वो चटनी तो स्पाइसी है ना, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए हमें ऐसा बैटर चाहिए ही चाहिए। तो अब आप गोभी को ऐसे डिप करना, और अब गरम गरम तेल में सीधा ही डाल देना, एक एक करके आराम से। अब फ्राई करते हुए जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप एकदम से इसको स्टर मत कर देना। अगर आप एकदम से स्टर करोगे तो जो बैटर जो चिपका हुआ है वो तो निकल ही जाएगा। तो अब इसको थोड़ी देर तक पहले पकने देना, बैटर जब सेट हो जाए
फिर आप इसको बीच बीच में स्टर करते रहना और बिल्कुल स्मूथ बैटर बनेगा, क्योंकि हमने इसको काफी फेटा था ना, तो बहुत ही बढ़िया बैटर की कोटिंग होगी। और ये देखो थोड़ी देर में ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाएगा या ऐसे दिखने लग जाएगा, तो आप इसको निकाल लेना। अब ये वाली जो पकोड़े की जो रेसिपी है ये दिल्ली के पकोड़े वाले से इंस्पायर्ड है, जो फेमस दिल्ली का पकोड़े वाला है। तो वो भी क्या करते हैं कि वो पहले ऐसे पकोड़े बना के रखते हैं और जब जैसे ही सर्व करना होता है तो एकदम गरम गरम पाइपिंग हॉट तेल में पकोड़ों को ऐसे दबाते हैं और उसको फिर से बिल्कुल एक मिनट के लिए फ्राई कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है उससे, लगभग 180 डिग्री तक तेल को ले जाते हैं, तभी तेल का कलर भी ज्यादा डार्क हो जाता है। अब बस आपको ऐसे पकोड़े को लेना है, उसको अपने हाथों से प्रेस करना है और देखो आप इसे गोल सा हो जाएगा पकोड़ा, और सीधा गरम तेल में फटाफट से आपने डालना है इसको। जितने पकोड़े आ जाए कढ़ाई में उतने पकोड़े आप डाल देना इस गरम गरम तेल में, और इसको अच्छे से कलर आने तक, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। ये देखो आप ऐसे डबल फ्राई करने से पकोड़े का स्वाद ही अलग आता है, मतलब अलग ही टेक्सचर, अलग ही फ्लेवर आता है, क्योंकि बाहर से सुपर क्रिस्पी सा हो जाता है पकोड़ा, अंदर से जूसी सा है, और गोभी में मिर्ची का पटाखा तो हमने लगाया ही, तो बस ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखो मैं आपको काट के दिखाता हूँ, पहले देखो आप कितना क्रिस्पी है, और गोभी भी अंदर अच्छे से पकी हुई है, चटनी बहुत अच्छे से लगी हुई है गोभी के ऊपर, और यही बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है गोभी के पकोड़े में। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। अब इसको सर्व करते हुए आप थोड़ा सा चाट मसाला डालना, नहीं तो अगर मेरी मानो तो आप इसमें खट्टा मसाला डालना, और सच में टेस्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और आपको सच में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी मैं जानता हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप कौन से पकौड़े देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।